टू माय चैनल नेटकास्ट ऑन वेब टेक। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, ये मेरा चैनल है, इस चैनल पे आपको नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उसको प्रेस कीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए, और यहाँ पे ऑल पे क्लिक करना है आपको। दोस्तों, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस है नहीं। दोस्तों, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपका जो भी डाउट्स है क्लियर हो जाए और आप इस वीडियो से सेटिस्फाइड हो जाओ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे जो वेबसाइट है गवर्नमेंट जॉब अपडेट, ये पैन इंडिया में जो भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब होते हैं वो हम अपडेट करते हैं, फ्री में आपको अपडेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ यहाँ पे विजिट करके अपना फीडबैक लिखिए, और ये हमारे टेक्निकल दोस्तों ब्लॉग साइट है, हमारे सोशल मीडिया पर जाके प्लीज़ फॉलो कीजिए। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम गवाए। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज डिलीट फॉर मी करते हो और वो आपको फिर से चाहिए तो कैसे करते हैं। मैं इनको कुछ मैसेज भेज देता हूँ, चलिए ओके। और ये तुरंत मैं डिलीट करना चाहूँगा, तो यहाँ पे डिलीट फॉर मी आएगा या डिलीट फॉर एवरीवन या कैंसिल आ जाएगा। और इसको आप 5 मिनट या 2 मिनट के बाद डिलीट करना चाहोगे तो इसमें ओनली आपको डिलीट फॉर मी आता है, बिकॉज़ इनको वो मैसेज ऑलरेडी गया है। तो हम डिलीट और मी मैसेज करते हैं तो वो डिलीट हो गया, लेकिन उनको वो जाएगा ओके। तो मैसेज आप फिर से कैसे पा सकते हो, इसमें दोस्तों बहुत ही आपको सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि YouTube में बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि आपको वो मिसगाइड कर रहे हैं। वो आपको डायरेक्ट बोल देते हैं मैसेज आपको WhatsApp अनइंस्टॉल कीजिए, फिर से इंस्टॉल कीजिए और बैकअप लीजिए तो आपका ये मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसमें भी बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारी सिचुएशंस है, वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे अब मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 3 डॉट है, यहाँ पे मैं जाता हूँ और सेटिंग में जाता हूँ, और सेटिंग में जाने के बाद मैं चैट में जाऊँगा। दोस्तों एक सेकेंड, चैट में जाऊँगा और सॉरी, चार्ट बैकअप में जाऊंगा। और यहाँ पे देखिए आपका गूगल अकाउंट भी सब ऐड है, आप देख लीजिए। और यहाँ पे जो आपका बैकअप कब हुआ है, लास्ट बैकअप, तो यहाँ 25 जनवरी को हुआ था, क्योंकि मैंने मंथली रखा है। और 25 तारीख को मेरा 9:10 PM को ये हो चुका था मेरा बैकअप ओके। तो अभी आपको ध्यान रखना है, जो मैसेज आपने डिलीट फॉर मी किया था वो आपका बैकअप होने से पहले था या बाद में था ओके। तो अगर वो मैसेज 2 दिन आपके पास रहा है या 3 दिन आपके पास रहा या 1 महीना आपके पास रहा है और आपने डिलीट फॉर मी किया है तो आपको मिल सकता है, लेकिन तुरंत आपने किसी को भेजा है मैसेज और डिलीट फॉर मी कर दिया तो वो नहीं मिल सकता है। यहाँ पे आपको देखना होगा कि कब ये बैकअप हुआ था। अगर वो मैसेज आने के बाद या आपका बैकअप ऑलरेडी हुआ है तो वो आपको मैसेज मिल सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेम व्हाट्सअप इंस्टॉल कीजिए और अपना फ़ोन नंबर वेरीफाइड कीजिए, और वेरीफाई करने के बाद रिस्टोर लोकल जो आता है बैकअप उसको रिस्टोर कीजिए, तो आपका वो मैसेज आपको मिल जाएगा। आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।